फूडीज, आज मैं आपको बाहर कुकिंग करने ले जा रही हूँ एंड हम लोग खाएंगे द क्लासिक चिकन करी विद राइस। और मेरा साथ देने के लिए है मेरे प्यारे हस्बैंड राहुल, जिसको भी थिक से चिकन राइस हम लोग खिलाएंगे। एक ब्यूटीफुल स्पॉट में हमारा कैंपिंग स्टोव रेडी है। अब चलिए हम लोग बाकी का सामान तैयार कर लेते हैं। चिकन को मैं दो बार वॉश करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग सीधा मार्केट से यहाँ पे लेकर आ गए, घर जाने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए दो बार मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, तो हर समय हमें कोई ना कोई स्वीट सा आवाज़ सुनने को मिलता है। क्या आवाज़ किया था अभी? जितने भी वेजीज मुझे चिकन करी के लिए चाहिए, जैसे कि टमाटो, पटेटो और अनियन, और हाँ सैलेड के लिए भी चाहिए, तो ये सारे वेजीज को मैं वॉश कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग इसको कट करेंगे। एंड यहाँ पे राहुल भी है, वो मुझे गार्लिक पेस्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये काम, और उसको गार्लिक छीलना अच्छा लगता है, तो मैंने उसे ये काम पकड़ा दिया और बाकी का काम मैं तैयार करती हूँ। और काम करने के साथ साथ हम लोग सीनरी का भी मज़ा ले रहे हैं, होपफुली खाना भी उतना ही टेस्टी होगा। हम वहां में छिलका फेंका था आलू का। ठीक है, अभी जलाऊं?
अब मैं सैलड बनाने वाली हूँ। मेरा फेवरेट है गोभी का सैलड। यहाँ पे हम लोग सारा जितना भी सब्ज़ी मिक्स करके बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखते हैं मसाला पका कि नहीं। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। आप कोई भी बड़े शहर चले जाओ, बट नेचर के साथ जो पीस मिलेगा वो आपको और कहीं नहीं मिल सकता। दैट्स व्हाई पीपल कीप कमिंग बैक हियर। भूख लग रहा है। भूखा हूँ मैं, भूखा। सलाद भी रेडी है। वो फाइनली हमारा खाना बनके खत्म हो गया है। अभी हम लोग थोड़ा फोटो वोटो खींच के फिर खाना खा लेंगे। सो अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। दो अपने आप को भी लाओ। हाँ, तो अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। घर से खाना लेकर आए हैं। कौन बनाए थे चावल? राहुल जी बनाए हैं। हाँ। राहुल जी। हाँ, आज राहुल मेरा इतना टेंट्रम्स सुना है ना पूरा ये वीडियो उस एंगल से उस एंगल से, तो इसलिए आई एम देखो तो उठ पिकर ना उठ पिकर का आवाज सुनाई दे रहा है। उठ देखो ना सीधे ऊपर है। बस सैलड, कैंपिंग करने का, आउटडोर कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पिकनिक जाओ, खाना पैक करके नहीं, हो सके तो बाहर ही बनाकर देखना। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्ट आएगा, और स्पेशली विथ योर लव्ड वंस। वो पिकर देखो ना पूरा यहाँ पे लकड़ी दिखा रहा है।
लगे खाओ क्या? अनिल को देखो, चलो तुम वो उसमें रख के खाने से खा सकते हो। सितंबर में पिकनिक का फील। व्हाट इज दिस? इज दिस ना ऊपर से बाहर में बैठे खाने लग के खाएगा नहीं तो आराम से गड़मा का। तुम भी तो खा के देखो खुद। वाह वाह वाह। एंड गाइस, राहुल को भी थैंक्स करना बनता है, इतना हेल्प किया, कैमरा शूट करने में हेल्प किया, खाना पकाने में हेल्प किया। I feel so blessed to have a husband like him. And आज का दिन बहुत अच्छा गया guys, हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ। ऐसे usually गर्मी में झगड़ा हो जाता है। प्याज भी है, हम लोग खाते हैं। ऐसे बहुत लोग पास कर रहे हैं, but फिर भी हो जाएगा। And thank you so much guys for watching to this vlog. अभी बहुत लोग आ रहे हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी खा के निकलते हैं। बाय, कल बाय बोल दो। बाय बाय।